Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको परमेश्वर के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। I thank the Lord for giving us this opportunity to worship Him once again on the third Sunday of this month. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस महीने के तीसरे इतवार के दिन हम परमेश्वर की आराधना कर पाए। Come, let us sing a few songs and worship Him and give thanks to His name. आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day you have given us to come to your presence. प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे दिन में तेरे उपस्थिति में आने के लिए तूने मदद की, इसके लिए धन्यवाद। Lord, as your words is read two or three gather in my name, I am them next. जैसे तेरा वचन कहता है, जहाँ दो या तीन तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। Lord, thank you for being in our midst right now. धन्यवाद, अब तो हमारे बीच में है। Lord, I thank you for your presence in our midst. धन्यवाद, तेरा उपस्थिति हमारे बीच में है। Lord, is this morning as we have gathered to worship you. इस सुबह जैसे हम इकट्ठा हुए तेरी आराधना करने के लिए। I ask you to fill each one of us with your special anointing. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हर एक को तेरे विशेष अभिषेक से भर दे। Lord, as we sing and worship your name. जैसे हम गीतों गाकर तेरे नाम की महिमा करते हैं। Let the people be touched through this worship. प्रभु, आराधना के द्वारा लोग छुए जाएं। Help us that we may worship you in truth and spirit. मदद करके हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर पाए। Lord, I also pray for the word that will be preached. बांटे जाने वाले वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Let the word be a blessing for each one of us. वचन हमारे के लिए आशीष का कारण हो। Lord, let the broken hearted be revived through the word. प्रभु, जो टूटे वो तेरे वचन द्वारा जिलाए जाए। And let the sick be healed. और बीमार चंगाई को पाए। Lord, I surrender the rest of the time into your hands. आएगा समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। In Jesus' most precious name I pray. Amen. यीशु के अनमोल नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा है। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, येशुआ, हालेलुया, 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 येशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम येशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 येशुआ, हालेलुया, 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 येशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम,
गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा, मैं इस गीत को हम साथ मिलकर गाएंगे। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे।
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Beauty that made this heart alive.
adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Aradhana karo, sar ko main jhukao, Yeshu sirf tu hi hai mera khuda. Tu hai ati sundar, tu hai ati yogy, tu hai ati adbhut mujhko. Jag jyoti tu अंधकार में तूने मेरी आंखें खोल दी. खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की. जग ज्योति तू अंधकार में तूने मेरी आंखें खोल दी. खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की. आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा. तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको. आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा. तू है
सुंदर तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको आराधना करो, सर को मैं छुपाओ, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। Shall we read from the book of Mark chapter 11 verse 12 and 13? हम मार्कुस के 11 अध्याय के 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in a distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. As we read in the book of Mark chapter 11 verse 12. जैसे हम मरकुस के 11 अध्याय के 12 वचन को पढ़ते हैं। Jesus was hungry, we read. हम पढ़ते कि यीशु भूखे थे। And we read Jesus was coming from Bethany. और हम पढ़ते कि यीशु बेथनिया से लौट रहे थे। So when he was coming from Bethany, he was hungry. तो जब वो बेथनिया से लौट कर आए तब वो भूखे थे। So Bethany, there was Lazarus house. बेथनिया में लाजर का घर था। There was no chance to be hungry there. वहाँ पर भूखे रहने का कोई मतलब नहीं था। But there was some reason that the Lord must have taken fasting. लेकिन किसी कारण से परमेश्वर ने उपवास रखा होगा। And when he came out, he felt hungry. और जब वहाँ से बाहर निकले तो उन्हें भूख लगा। It speaks Jesus was 100% God and also the man. ये बताता है कि परमेश्वर 100% परमेश्वर भी थे और मनुष्य भी था। As we are hungry, Jesus also was hungry. जैसे हम भूखे वैसे परमेश्वर भी भूखे थे। As we are feeling the pain and he is going through the pain. जैसे हम दर्द का सामना करते वैसे वो भी दर्द का सामना When करते हैं। When he came in this world, he became one of us like. जब वो इस पृथ्वी पर आए तो वो हमारे जैसे एक बने। In the book of Matthew chapter 4, we read. मत्ती के चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं। And Jesus, after 40 days fasting, यीशु 40 दिन उपवास के बाद, there he was hungry. Ali we read. वहाँ पर वो भूखे थे ऐसे पढ़ते हैं। So that hungry, Satan took as a chance to test the Lord. तो उस भूख के कारण शैतान ने एक मौका को लिया। But Satan could not have any victory over Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह पर शैतान जयवंत नहीं हो पाया। Many times, whatever problems you are going through, बहुत बार जो भी समस्या का आप सामना करते हो, Satan is coming to test your life through your problems. शैतान आते हैं आपके समस्या के द्वारा आपको परीक्षा में डालने के लिए। As Jesus did not give any place to devil. लेकिन जैसे यीशु ने शैतान को कोई जगह नहीं दिया। You do not give place to the devil that you will be the testimony. आप शैतान को कोई जगह मत दो ताकि आप एक गवाही बने रहो। I mean today when we look around this world. आज हम चारों ओर संसार में देखते हैं। There are so many countries people are dying because there is no food. बहुत से देशों में भोजन ना होने कारण लोग मर रहे हैं। सूडान इन अफ्रीका। अफ्रीका में सूडान। हाफ ऑफ द सूडान अललिया आई मीन पीपल आर लिविंग इन हंगरी। और सूडान के आधे लोग भूख के कारण हैं। पीपल आर स्टार्विंग एवरी डे, पीपल डाई बिकॉज़ नो फूड। रोज लोग मर रहे हैं क्योंकि उनके पास भोजन नहीं। लाइक दैट नाइजीरिया एंड इन अफ्रीकन कंट्रीज मेनी वी सी आई मीन इवन इन सोमालिया पीपल आर डाइंग विदाउट फूड। और ऐसे अफ्रीका सोमालिया ऐसे लोग भूख के कारण मर रहे हैं। Hallelujah, every day when we look around this world somewhere every minute people die without food. हर रोज कहीं ना कहीं संसार में लोग भूख के कारण बिना भोजन मर रहे हैं। And Jesus is able to feed the people. और यीशु योग्य है लोगों को तृप्त करने भोजन से। Now Hallelujah, if you read 2 Kings chapter 4, अब अगर आप दो राजा चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। Hallelujah, people were living without food because of famine. लोग अकाल के कारण बिना भोजन के जी रहे थे। And 2 Kings chapter 4 words from 42 to 44 if you read. दूसरी राजा चौथे अध्याय के 42 से 44 वचन अगर आप पढ़ेंगे। Hallelujah, one day there was a man coming from Baal Salisha.
एक दिन एक व्यक्ति बाल शालिशा की ओर से आया। From very far a man came to meet Elisha the prophet. बहुत दूर से एलिशा नबी से वो मिलने को आया था। How many people were with Elisha? एलिशा के साथ कितने लोग थे? There were 100 people, the young prophets, they were living with that Elisha. 100 जवान नबी उस एलिशा के साथ थे। The man who came to meet Jesus and the Elisha, जो व्यक्ति एलिशा से मिलने को आया था, he was having 20 bread to give to Elisha. एलिशा के पास देने के लिए उसके पास 20 रोटी थे। But Elisha told that man to give that bread to all the people. लेकिन एलिशा ने उस व्यक्ति से कहा कि हर एक लोग को वह दे पाए। Immediately that man told Elisha. तुरंत ही उस व्यक्ति ने एलिशा से कहा। Hallelujah, I have only 20 bread. Hallelujah, how can we feed these 100 people? मेरे पास ऐसे 20 रोटी, हम इस 100 लोगों को कैसे दे सकते हैं? But Elisha told you give it. Hallelujah, I mean so the people, let the people have. लेकिन एलिशा ने कहा कि तुम दे दो, लोग इसे ले पाए। And that man gave that 20 bread to the people. और जब उस व्यक्ति ने उस 20 रोटी को लोगों को दिया, all the 100 people, I mean ate full. उनमें से सभी 100 लोग, सब लोग ने खाया। They ate and satisfied, I mean with that 20 bread. वो लोग उस 20 रोटी खाकर तृप्त हुए। If that Elisha was able to satisfy the people with the food. अगर एलिशा उन लोगों को भोजन से तृप्त कर पाया। Christ is greater than that Elisha. मसीह एलिशा से बढ़कर है। In John chapter 6 words, I mean 5 we read. यूहन्ना छठे अध्याय के पांचवें वचन में हम पढ़ते हैं। With 5 loaves and 2 fishes he fed even 5000 men. पांच रोटी दो मछलियों के साथ परमेश्वर ने 5000 पुरुषों को खिलाया। And people were satisfied with food on that day. और उस दिन लोग भोजन से तृप्त हुए। And today the Lord wanted to fill everyone with food. और आज प्रभु चाहता है कि हर एक लोग भोजन से भरे रहे। Even the young lions will be hungry. जवान सिंह भी भूखे होंगे। But God's people, he will not allow them to be hungry like. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। God is able to supply all your needs. परमेश्वर योग्य आपके सारे जरूरतों को पूरा करने। But here on the particular day in the book of Mark chapter 11 verse 12 we read. लेकिन यह मरकुस 12 अध्याय में एक दिन में, when Jesus was coming out of that Bethany, जब यीशु बतनिया से बाहर आए, there was a tree, I mean fig tree, it was there in the way where Jesus came. एक अंजीर का पेड़ उस मार्ग में था जहाँ से यीशु आए। Hallelujah, there were many people when they were in the way when Jesus came. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग में आए थे। They were all blessed and they received the healing. वो सब आशीषित हुए और एक चमत्कार को उन्होंने देखा। A man, blind man, Bartimaeus. एक अंधा व्यक्ति बर्तिमेयस। One day Jesus was walking. एक दिन यीशु चल रहे थे। In the same way, in the same roadside. उसी मार्ग में, उस सड़क किनारे। That beggar man, blind man was sitting. उस भीख मांगने वाले व्यक्ति, वो अंधा व्यक्ति बैठा था। On that particular day, he was blessed because he was in the way Jesus came. उस विशेष दिन में वो आशीषित हुआ और चंगाई को पाया क्योंकि वो यीशु के मार्ग में था। Many, many were blessed in the way when they were in Jesus' way. ऐसे बहुत सारे लोग जो यीशु के मार्ग में जब थे वो आशीष को पाए। But here when we see the fig tree. लेकिन यहाँ जब हम उस अंजीर के पेड़ को देखते हैं। So the fig tree was there, hallelujah, I mean the way Jesus came. वो अंजीर का पेड़ भी यीशु के आने के मार्ग में था। But instead of receiving the blessing. लेकिन आशीषों को पाने को छोड़कर। Instead of receiving the glory. महिमा को पाने को छोड़कर। We read, I mean that, hallelujah, the tree, that fig tree was cursed. हम पढ़ते कि वो अंजीर का पेड़ शापित हुआ। It received the curse from Jesus. उसने यीशु से एक शाप को पाया। Hallelujah, Hallelujah. Oh, there are very few people like that fig tree. और ऐसे बहुत से कम लोग उस अंजीर के पेड़ चलते हैं। You know this fig tree, I mean, hallelujah, it is having many qualities. अब जानते हैं अंजीर के पेड़ के पास बहुत से गुण हैं। If you eat that fig fruits and leaves. अगर उस अंजीर के पेड़ और उस पत्तों को आप खाते हैं। That BP will be controlled. तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण में होगा। And the diabetes, sugar patient, I mean, it will be controlled. और वो डायबिटीज का लेवल सही होगा। Even that heart disease will be healed. और जो हृदय का कोई बीमारी होगी वो भी चंगा होगा। Mind will be having, hallelujah, I mean, a good mind. और मन अच्छा होगा। Mentally they will be healed. और शारीरिक तरह से चंगे होंगे। Hallelujah, I mean, physically, I mean, they will be, hallelujah, with strength. और शरीर में एक बल होगा। And the vitamin B6.
और विटामिन B6 होगा बिकॉज इट इज इन दैट फिक फ्रूट क्योंकि वो उस अंजीर के फल में है द ब्लड सेल्स आई मीन इंक्रीज इन द ब्लड खून में जो सेल्स है वो बढ़ते जाते हैं हालेलुया आई मीन लाइक दैट द स्किन डिजीजेस विल बी हील्ड और वैसे जो चमड़े में जो बीमारियां है वो भी निकलती सो मेनी गुड थिंग्स वी कैन सी इन दिस फिक ट्री और इतने भली बातों को हम उस अंजीर के पेड़ में देख सकते हैं द फ्रूट्स आर लाइक ए मेडिसिन फल ही एक औषध जैसा है द लीव्स आर लाइक ए मेडिसिन और वो पत्ते एक औषध जैसा है इवन द रूट इज लाइक ए मेडिसिन और वो जड़ भी एक औषध के तरह है विद ऑल दिस गुड थिंग्स नाउ ही टू रिसीव द कर्स लेकिन इन सारे अच्छे चीजों के साथ अब उसने एक श्राप को पाया द रीजन ओनली हालेलुया इट वाज हैविंग द लीव्स कारण से उसके पास पत्ते ही थे इन द नेक्स्ट वर्ड्स वी रीड इन वर्स 13 अगले वचन 13 वचन में पढ़ते हैं हालेलुया आई मीन देयर वाज नो फ्रूट ओनली दैट ट्री वाज हैविंग लीव्स उस अंजीर के पेड़ के पास कोई फल नहीं था लेकिन सिर्फ पत्ते थे ओ हालेलुया देयर आर सो मेनी पीपल ओनली आउटसाइड दे आर शोइंग द स्पिरिचुअल और ऐसे बहुत सारे लोग सिर्फ बाहरी रूप से दिखाते कि वो आत्मिक है ओनली आउटसाइड दे आर शोइंग सो स्पिरिचुअल बाहर से दिखाते कि बहुत आत्मिक है बट इनसाइड नथिंग इज देयर लेकिन अंदर कुछ भी नहीं हालेलुया देयर इज नो सॉल्वेशन उद्धार नहीं देयर इज नो वर्क ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं देयर इज नो वर्क ऑफ होली देयर इज नो वर्क ऑफ होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का कोई क्रिया नहीं देयर इज नो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का कोई फल नहीं देयर इज नथिंग इनसाइड ओनली दे आर शोइंग आउटसाइड अंदर कुछ भी नहीं सिर्फ बाहर से दिखावा करते हैं इन द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 वर्ड्स आई मीन 1 एंड 2 इफ यू रीड प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय के पहले दो वचन को अगर आप पढ़ेंगे वी रीड अबाउट कॉर्नेलियस हम कॉर्नेलियस के बारे में पढ़ते हैं कॉर्नेलियस वाज अ वेरी गुड मैन कॉर्नेलियस एक अच्छा व्यक्ति था ही वाज हैविंग मेनी क्वालिटीज इन हिज लाइफ उसके जीवन में अच्छे गुण थे इफ यू रीड इन दैट वर्ड्स 2 अगर उस दूसरे वचन में आप पढ़ेंगे ही वाज वेरी डिवोटेड मैन वो एक धार्मिक व्यक्ति था एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ और अपने जीवन को उसने समर्पण किया गिविंग आर्म्स टू द पीपल लोगों को कुछ मदद देता एंड वेरी गॉड फियरिंग मैन विद फैमिली और परिवार के संग परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति आल्सो ही वाज प्रेइंग ऑलवेज और हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वेरी गुड मैन दिस कॉर्नेलियो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है कॉर्नेलियो बट इनसाइड देयर वाज नो सॉल्वेशन लेकिन अंदर उद्धार नहीं था बट इनसाइड देयर वाज नो होली स्पिरिट अंदर पवित्र आत्मा नहीं था आई मीन जीसस केम टू मीट दिस कॉर्नेलियो यीशु मसीह कॉर्नेलियो से मिलने को आए थे सो थ्रू पीटर ही रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड तो पत्रस द्वारा उसने वचन को पाया एंड ही रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड एंड ही रिसीव द होली स्पिरिट उसने वचन को पाया और पवित्र आत्मा को पाया एंड ही रिसीव द सॉल्वेशन ही वाज बैप्टाइज्ड उद्धार लेकर उसने बपतिस्मा को पाया टुडे लाइक दैट कॉर्नेलियस आज उस कॉर्नेलियस के तरह यू मे बी वेरी नाइस पर्सन आउटसाइड बाहर तो बहुत अच्छा व्यक्ति होंगे हेल्पिंग मेनी बहुत से लोगों को मदद करने वाले वेरी मींस यू मे हैव कंपैशन फॉर द पीपल लोगों के लिए दया होगा यू मे बी गॉड फियरिंग पर्सन परमेश्वर का एक डर होगा यू मे बी गिविंग आर्म्स या कुछ देते होंगे व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ या आपके जीवन में जो भी आप करते हैं लॉर्ड इज लुकिंग हालेलुया इनसाइड परमेश्वर भीतर देखते हैं इनसाइड व्हाट यू हैव वेदर सॉल्वेशन इज देयर होली स्पिरिट इज देयर द लॉर्ड इज लुकिंग अंदर के आपके पास पवित्र आत्मा है परमेश्वर देखते हैं हालेलुया इन चैप्टर आई मीन 11 वर्ड्स 12 एंड 13 इफ यू रीड मरकुस 11 अध्याय 12 और 13 वचन में द लॉर्ड सॉ दैट फिक ट्री प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ को देखा हालेलुया देयर वर मेनी ट्रीज इन दैट साइट उस ओर बहुत से दूसरे पेड़ थे वी डोंट रीड द लॉर्ड सॉ एवरी ट्री लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने बाकी पेड़ों को But देखा बट द पर्टिकुलर ट्री द लॉर्ड सॉ लेकिन उस चुने हुए पेड़ को परमेश्वर ने देखा टुडे एज जीसस क्राइस्ट सॉ दैट फिक ट्री ऑन दैट डे जैसे उस दिन परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को देखा दैट सेम क्राइस्ट इज सीइंग योर लाइफ वही मसीह आपके जीवन को देखते हैं इज सीइंग हालेलुया व्हाट इज इन योर लाइफ वो देखते हैं कि आपके जीवन में क्या है इन द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 14 वर्स 8 एंड 8 टू 10 वी रीड प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय के 8 से 10 वचन वन डे पॉल केम टू लिस्ट्रा एक दिन पॉलस लिस्ट्रा एंड ही प्रीच्ड द गॉस्पेल आई मीन इन द स्ट्रीट ऑफ दैट लिस्ट्रा और लिस्ट्रा के सड़क में उसने प्रचार किया मेनी पीपल वर लिसनिंग आई मीन हियरिंग द गॉस्पेल बहुत से लोग वचन को सुन रहे थे हालेलुया आई मीन पॉल वाज सीइंग मेनी पीपल और पॉलस भी बहुत से लोगों को देखा बट एट द सेम टाइम व्हाइल ही वाज प्रीचिंग लेकिन ठीक उसी समय जब वो प्रचार कर रहा था इन द रोड साइड ए लेम मैन वाज सिटिंग उसे सड़क किनारे एक लंगड़े व्यक्ति को देखा एंड दैट लेम मैन आल्सो आई मीन वाज हियरिंग व्हाट पॉल प्रीच्ड और वो लंगड़ा व्यक्ति भी सुन रहा था जो पॉलस ने प्रचार किया एंड वी रीड इन दैट वर्ड्स पॉल सॉ दैट मैन और हम उस वचन में पढ़ते पॉलस ने उस व्यक्ति को देखा ऑल सॉ द फेथ हालेलुया इन हिम उसके अंदर जो विश्वास था उसे पॉलस ने
देखा। After the preaching got over, जब वो प्रचार पूरा हुआ, Paul came to that man, पौलुस उस व्यक्ति के पास आया, and he said, in the name of Jesus Christ, you rise, you stand. और कहा उससे कि यीशु मसीह के नाम से तो उठ खड़े हो। So that man got up immediately. तो तुरंत वो व्यक्ति उठ गया। He received the healing. उसे चंगाई को पाया। Because Paul saw that man. क्योंकि पौलुस ने उस व्यक्ति को देखा। That man received this much blessing. उस व्यक्ति ने इतना आशीष को पाया। Today, a little more than Paul, the Lord Jesus Christ is seeing you. आज पौलुस से बढ़कर यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। He can hallelujah change all your situation. वो आपके सारे परिस्थिति को बदल सकते हैं। He can wipe away your tears. आपके आंसुओं को पोंछ सकते हैं। I mean, the Lord is seeing you. परमेश्वर आपको देख रहे हैं। Are you worthy to receive the blessing? क्या आप योग्य आशीष को पाने के लिए? Are you worthy to receive the deliverance? क्या आप छुटकारे पाने के लिए योग्य हैं? Hallelujah. Hallelujah. But you know, in chapter 11 verse 13 we read in the book of Mark. लेकिन मरकुस 11 अध्याय 13 वचन में the Lord saw that tree only, I mean, the leaves were there. प्रभु ने जब उस पेड़ को देखा उसमें सिर्फ पत्ते ही थे। It speaks about the Pharisees and the Jews how they were living in those days. उन दिनों में फरीसी लोग कैसे जीते थे वो बताता है। Matthew chapter 23 verse 27 and 28 we read. मत्ती 23 अध्याय के 27 28 वचन में Jesus spoke about the Pharisees. यीशु ने फरीसी के बारे में कहा। The Jews people in those days. और उन यहूदियों के बारे में उन दिनों में। What the Lord told there. प्रभु ने वहाँ पर क्या कहा? You were like a whitewashed tomb. और एक कब्र जिसके ऊपर पेंट किया होगा। Outside the white color so nice outside to see. बाहर से तो सफेद रंग दिखने में सुंदर। But inside because the dead person is buried there. लेकिन क्योंकि अंदर एक मरा हुआ शरीर दफनाया गया। Oh, the bones are there inside. अंदर हड्डियाँ हैं। Inside stinging. Hallelujah. I mean, so that inside nothing is there. अंदर बदबू मारता हुआ कुछ भी नहीं है। No good thing is there, only stinging. अंदर कोई भला बात नहीं, सिर्फ बदबू। The Lord was telling about that Pharisees. प्रभु उन फरीसी के बारे में कह रहे थे। Your life is like, I mean, that white was tomb. तुम्हारा जीवन उस कब्र की तरह। Like that, hallelujah, I mean, fig tree only outside showing so nice, I mean, so spiritual. जैसे अंजीर का पेड़ बाहर से सिर्फ दिखाता कि बहुत अच्छा और एक आत्मिक है। But inside all kinds of wickedness, all kinds of sins, I mean, there. लेकिन अंदर सब प्रकार के दुष्ट काम है। Hallelujah, in the book of Matthew chapter 15 we read. मत्ती के 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं। I mean, verse 7 and 8 if you read. 15 के 7वें और 8वें वचन। Jesus told these people are, I mean, coming near to me with their mouth. यीशु ने कहा कि ये लोग अपने मुंह से मेरे पास आते हैं। They are only praising with their mouth. वो सिर्फ अपने मुंह से स्तुति करते हैं। They are only honoring with their lips. सिर्फ होठों से स्तुति करते हैं। But their heart is far away from me. लेकिन मन तो मुझसे बहुत दूर है। Nothing is there in their heart. उनके मन और दिल में कुछ नहीं। Heart is filled with all evil thing and the sinful thing. दिल दुष्ट काम और पापों से भरा है। But only outside they are showing they are praising. लेकिन सिर्फ बाहर से दिखाते कि वो स्तुति कर रहे हैं। Oh, so much they praise. इतना ज्यादा स्तुति करते हैं। Oh, so much they exalt to the Lord. उतना ज्यादा ऊंचा उठाते हैं। But the inner life of the Lord is seeing, it is stinging. Hallelujah. Nothing is, no good thing is there. लेकिन जब भीतर का जीवन देखते हैं प्रभु तो अंदर कुछ भी नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. God is looking your life today. आज प्रभु आपके जीवन को देखते हैं। If you read in the book of Numbers, अगर आप गिनती में पढ़े, in Numbers chapter 15 verse 27 to 29 we read. गिनती 15 अध्याय के 27 से 29 वचन। Hallelujah. If a person committed sin unknowingly, अगर किसी व्यक्ति ने अनजाने में पाप किया, the Lord told Hallelujah what all the sacrifices, I mean, he was to do give. तो प्रभु ने बताया कि क्या-क्या बलि चढ़ाना था। So his sins will be forgiven, I mean, God told. ताकि उसके पाप मिट जाए ऐसे प्रभु ने कहा। But in the same chapter verse 30 if you read. लेकिन उसी अध्याय के 30 वचन में अगर आप पढ़े, if somebody knowingly, willingly, I mean, if somebody is, doing sin, अगर कोई जानते हुए पाप को करते हैं, Hallelujah, I mean, so that verse 30 God said there is no sacrifice for such person. तो 30 वचन में ऐसा लिखा कि उस व्यक्ति के लिए कोई भली नहीं, he will not be forgiven, उसका क्षमा नहीं होगा, Hallelujah, he will be only punished, उसे सिर्फ दंड का सामना करना पड़ेगा. So dear God's children, तो प्रिय परमेश्वर के बच्चे, God is looking, Hallelujah, inner life. परमेश्वर भीतर जीवन देखते हैं. He wanted to see whether repentance is there or not. वो देखना चाहता कि मन फिराव है या नहीं. He had to come to the Lord with a broken heart today. आज आपको प्रभु के पास टूटे मन के साथ आना है. The
inner heart must be, your heart must be broken. भीतर का जीवन टूटना है. Not with your lips. होठों से नहीं. Not with your mouth. या जवान से नहीं. God is looking your heart. परमेश्वर आपके दिल को देखते हैं. Break your heart. अपने मन को तोड़ो. Surrender your life. जीवन समर्पण करो. With a broken heart you cry unto the Lord. एक टूटे दिल के साथ परमेश्वर के सामने पुकारो. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Hebrews chapter 10 verse 29 we read. इब्रानी 10 के 29 में हम पढ़ते हैं. Anybody is living, knowingly, willingly in the sinful life. अगर कोई जानकर भी पाप में जीवन जीता है, there is no sacrifice for such person. तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बलिदान नहीं. He is stamping the blood of Jesus Christ, when he commits sin. जब वो पाप करता तो यीशु मसीह के लहू का वो कुचलता. Only outside they were showing so spiritual, but inside they were living the wicked ways. सिर्फ बाहर से ज्यादा आत्मिक दिखाते हैं, लेकिन अंदर से पाप भरा जीवन जीते हैं. How is your spiritual life? आज आपका आत्मिक जीवन कैसा है? It's only outside you are living or inside with all your heart, with all your life, with all your mind, you are living for the Lord. क्या सिर्फ बाहर से आप परमेश्वर के लिए जीते हैं या अंदर से पूरे तन और मन से परमेश्वर के लिए जीते हैं? Matthew chapter 6 verse 16 the Lord told. मत्ती 6 के 16 में प्रभु ने कहा. You don't fast like others. तुम बाकियों की तरह उपवास ना करना. You don't fast like others. They are fasting. To show to others. वो तो इसलिए उपवास करते कि बाकियों को दिखाए. But hallelujah, you do it in your house. लेकिन आप उसे घर में करना. You lock your house and fast and pray to the Lord. अपने कमरे को बंद करके उपवास रखकर प्रभु से प्रार्थना करना. Lord will answer your prayer and you will receive the blessings. और प्रभु प्रार्थना का जवाब देंगे और आप आशीष को पाएंगे. The Pharisees, whatever they say, whatever they do, they will do it publicly. Because they wanted to see the people. तो फरीसी लोग जो भी करते थे वो सबको दिखाते हुए करते थे. They wanted people to see what they are doing. वो चाहते थे कि लोग देख पाए कि वो क्या कर रहे हैं. Hallelujah. This is what like that fig tree. यही वो अंजीर के पेड़ की तरह. Only hallelujah. The leaves are there. सिर्फ पत्ते ही है. In the book of Mark chapter 11 verse 13 we read. मरकुस 11 के 13 वचन में. Oh, nothing was there. No fruits were there. उसमें कोई फल नहीं था. Hallelujah. The Lord is looking fruit in our life. प्रभु जीवन में फल को देखते हैं. In Matthew chapter 3 verse 8 we read. मत्ती 3 के 8 में. The fruit of repentance the Lord is looking. एक पश्चाताप का फल प्रभु देखना चाहते हैं. Whether you have the fruit of repentance. कि आपके पास मन फिराने वाला एक फल है. If there is no fruit of repentance. अगर मन फिराने वाला फल नहीं. In Matthew chapter 3 verse 10 we read the axe is laid at the root of that tree. तो मत्ती 3 के 10 में उस पेड़ के जड़ पर कुल्हाड़ी रखा गया. If there is no that repentance. अगर मन फिराव नहीं है. If there is no fruit. अगर फल नहीं है. The tree will be cut off. वो पेड़ काट दिया जाएगा. It will be thrown in the fire. वो आग में फेंक दिया जाएगा. Lord wants that you must be fruitful. प्रभु चाहते कि आप फलवंत रहे. Hallelujah. Hallelujah. There was a man Baskar in Hyderabad. एक व्यक्ति हैदराबाद में बास्कर नाम का. He was drinking alcohol. वो दारू पीने वाला व्यक्ति था. He had a few friends with him. और उसके कुछ मित्र उसके पास थे. So he was torturing the believers. वो विश्वासियों को सताता था. Wherever the prayers, the worship is there. जहाँ कहीं आराधना प्रार्थना सभा होता. He will go and disturb and beat the people. वो जाता और उन्हें मारता था. One day, a ground there was gospel meeting. एक दिन एक ग्राउंड में मैदान में गॉस्पेल मीटिंग था. He went with his friends to disturb. वो गया अपने मित्र के साथ उन्हें सताने. When he was standing there. जब उधर वो खड़ा था. Suddenly the Holy Spirit came upon that Baskar. अचानक पवित्र आत्मा भास्कर के ऊपर आया. Oh, he was thrown away. वो फेंक दिया गया. Hallelujah. Hallelujah. And he cried. और उसने रोया. In that ground he was rolling on the floor. उस मैदान में जमीन पर वो गिर रहा था. He was rolling on the mat. वो उस जमीन में गिर रहा था. Hallelujah. Hallelujah. And that man, after few minutes. और कुछ मिनटों के बाद. He got up. वो उठा. He surrendered his life in the hands of the Lord. और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया. His life was changed. उसका जीवन बदल गया. Now, hallelujah, with Bible is going to preach the gospel. अब वचन के साथ वो सुसमाचार बांटने को जाता है. He and his family, they are serving the Lord. वो और उसके परिवार परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. Oh, he is fruitful person today, Rabbah. आज वो एक फलवंत व्यक्ति है. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is looking fruit in our spiritual life. प्रभु आपके आत्मिक जीवन में फल को देखना चाहते हैं. Hallelujah. The fruit of soul. आत्मा वाला फल. The fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का फल. God is looking somewhat. You need to be fruitful. प्रभु किसी तरीके से आपको फलवंत होना देखना चाहते हैं. John chapter 1 verse 41 if you read.
read. Yohana pehla adhyay ke 41st vachan. Hallelujah. When Andrew came to Jesus. Jab Andrea parmeshwar ke paas aaya. Immediately he went to home. Turant woh ghar gaya. He brought his brother to Jesus Christ. Us apne bhai ko Yeshu ke paas laya. In the book of John chapter 4 verse 36 we read. Yohana 4 ke 36 mein hum padhte hain. The Samaritan woman Jesus Christ met. Jis samri stri ko Yeshu masih ne mila. That woman when she found Christ. Jab usne Yeshu masih ko paya. She went inside the town. Woh us nagar ke andar gayi. She told everybody. सबसे उसने कहा. I mean everyone about Jesus Christ. हर एक से यीशु मसीह के बारे में कहा. In that chapter we read. उस अध्याय में हम पढ़ते हैं. All the people from that town came to see Jesus Christ. उस नगर के सभी लोग यीशु मसीह को देखने को आए. Oh, the Lord wants to use your brother. भाई प्रभु आपको उपयोग में लाना चाहते हैं. Lord wants to use your sister. बहन प्रभु आपको उपयोग में लाना चाहते हैं. Many are going to come to Jesus Christ through you, Rabbi. बहुत लोग आपके द्वारा यीशु मसीह में आने वाले हैं. Many are going to be saved through you, Rabbi. बहुत लोग आपके द्वारा उद्धार को पाएंगे. It can be done already in your life. ये आपके जीवन में होगा. In the book of John chapter 15 we read. योहन्ना के 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं. If you abide in me. अगर आप मुझ में बने रहे. God is telling if you abide in me. प्रभु कहता है अगर तुम मुझ में बने रहे. If I abide in you. और मैं तुम में. Amen. You will be fruitful. तुम फलवंत होंगे. You will have more fruits. आप में ज्यादा फल होगा. Hallelujah. Hallelujah. And the same chapter we read. और उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं. When you are more fruitful. जब अधिक फलवंत होते हैं. My Father is glorified. मेरा पिता का महिमा होता है. Abide in the Lord. प्रभु में बने रहो. You stay in the Lord. प्रभु में बने रहो. You live in the Lord. प्रभु में जीवन जियो. Make fruitful. और वो आपको फलवंत करेगा. Not only outside. सिर्फ बाहर ही नहीं. The inner life there will be. I mean the spiritual fruits you can see. भीतर के जन में एक आत्मिक फल होंगे. In John chapter 15 verse 16 we read. योहन्ना 15 अध्याय 16 वचन में. I mean the Lord told. प्रभु ने कहा. I mean go. तुम जाना. And you be fruitful. और फलवंत हो जाओ. I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना. I mean you have not chosen me. तुमने नहीं मुझे चुना. I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना. Now you can go and be fruitful. अब तुम जाकर फलवंत हो सकते हैं. Lord is sending you to be hallelujah fruitful. आज प्रभु आपको भेजते फलवंत होने. There was a man William Carey. एक व्यक्ति विलियम केरी था. He came from England. वो इंग्लैंड से आया. And he came to India. और भारत में आया. All through his life he preached the gospel. जीवन भर उसे सुसमाचार को बांटा. Hallelujah. Hallelujah. His wife was sick. उसकी पत्नी बीमार हुई. He lost his son, I mean Peter. उसने अपने पुत्र पीटर को खोया. He was going through so much problem. बहुत समस्या का उसने सामना किया. But yet he told. फिर भी उसने कहा. Hallelujah. In India, I mean I have come. भारत में क्योंकि मैं आ गया. It's God's plan. ये परमेश्वर का योजना है. I proclaim the gospel. मैं सुसमाचार को बांटूंगा. Because Christ is there in India. क्योंकि मसीह भारत में है. Oh that William Carey, I mean he lived in India and he died for the Lord. वो विलियम केरी भारत में जिया और वो मरा परमेश्वर के लिए. Thousands of people came to the Lord. हजारों लोग मसीह के पास आए. And he translated the Bible in Indian languages. और भारतीय भाषा में उसने अनुवाद किया बाइबल को. Hallelujah. Hallelujah. I mean you can be fruitful like that person. आप उस व्यक्ति की तरह फलवंत हो सकते हैं. God wants to do something through you. प्रभु आपके द्वारा कुछ करना चाहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. There is a cinema actor. एक सिनेमा एक्टर है. Sibi. His name is Sibi. उसका नाम Sibi है. Oh, he is like evangelist proclaiming the gospel today. वो सुसमाचार की तरह आज वचन को बांट रहा है. One more cinema actor. दूसरा एक सिनेमा एक्टर. He was Sukrandanand. Sukrandanand है. Hallelujah. He is also proclaiming the gospel. वो भी सुसमाचार को बांट रहा है. Amen. When he was small boy. जब वो छोटा लड़का था. He was like hallelujah. Mentally, he was tortured. एक पागल व्यक्ति जैसे सताया गया. He was living like mad. एक पागल की तरह जी रहा था. 3 years. Hallelujah. He was eating food from the dustbin. और 3 वर्ष तक वो उस कचरे के डब्बे से भोजन खा था. He did not know what he was doing. जानता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है. But today the Lord touched that person. लेकिन आज यीशु ने उसे छुआ. Hallelujah. He is standing for the Lord. वो प्रभु के लिए खड़ा है. Hallelujah. The Lord wants to stand for him today. आज प्रभु के लिए वो खड़ा रहना चाहता है. In that words we read. उस वचन में हम पढ़ते हैं. In the book of Mark chapter 11 verse 13 we read. मरकुस 11 अध्याय 13 वचन. Hallelujah. There was only, hallelujah, the leaves were there. No fruit. उस पेड़ में सिर्फ पत्ते थे, कोई फल नहीं था. If we need to be fruitful. अगर हमें फलवंत होना है. In, hallelujah, Isaiah chapter 32 verse
verse 15 we read. Yeshaya 32 adhyay 15 vachan. When the spirit of God is coming from heaven. Pavitra atma swarg se utarta. Then your wilderness will be changed. To aapka marubhumi badal jayega. Your wilderness will be like a forest. To aapka marubhumi jangal jaisa hoga. Your wilderness will be fruitful. Oh phalvant hoga. The Lord wants to give you the Joseph's blessing. Prabhu aapko Joseph ka aashish ko dena chahte hain. In the book of Hallelujah, Genesis chapter 49 verse 22 we read. उत्पत्ति 49 के दूसरे वचन में जैकब ब्लेस हिज सन. जब याकूब ने अपने पुत्र को आशीष दिया थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड पवित्र आत्मा द्वारा. He told in verse 22 उसने 22वें वचन में कहा जोसेफ यूसुफ यू विल बी लाइक ए फ्रूटफुल वाइन तो फलवंत दाखलता जैसा होगा. यू विल बी लाइक ए फ्रूटफुल वाइन तो फलवंत दाखलता जैसा होगा. यस हिज लाइफ बिकेम लाइक दैट ओनली. हां उसका जीवन वैसा ही हुआ. इन योर स्पिरिचुअल लाइफ आपके आत्मिक जीवन में द लॉर्ड हैज प्लांटेड यू इन द चर्च. प्रभु ने कलीसिया में आपको रखा है. द लॉर्ड हैज प्लांटेड यू इन हिज प्रेजेंस. प्रभु उसके उपस्थिति में आपको रखा है. साम 1 वर्स 3 वचनता 1 के तीसरे वचन द ट्री व्हिच इज प्लांटेड नियर द वाटर और जो पेड़ पानी के नजदीक है इट विल बी हालेलुया फ्रूटफुल इन एवरी सीजन. वो हर एक मौसम में फलवंत होगा. गिव थैंक्स टू द लॉर्ड. परमेश्वर को धन्यवाद. देयर आर सो मेनी पीपल. ऐसे बहुत से लोग हैं. अ मैन हु वाज ड्रंकर्ड नियर थ्रोन द पीपल. एक व्यक्ति जो त्रिवेंद्रम के पास एवरी डे ही वाज कमिंग एंड टॉर्चरिंग हिज वाइफ. हर रोज पत्नी को आके सताता था. हिज सन माधवन वाज टेलिंग उसका लड़का माधवन ने कहा व्हेन ही वाज स्मॉल जब वो छोटा था. एवरी डे व्हेन इट इज कमिंग 5 o'clock इन द इवनिंग जब वो 5 बजता रोज शाम का. ही वाज अफ्राइड वो डरता था. ही वाज थिंकिंग अबाउट दैट नाइट उस रात के बारे में सोचता. ओ हाउ इट विल बी कि वो कैसा होगा. आई मीन व्हाट द डैडी विल डू. पिता क्या करेगा. एवरी डे दैट बॉय वाज लिविंग विद फियर. हर रोज लड़का डर से जीता था. हालेलुया हालेलुया. आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद मदर एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट. उसकी मां ने यीशु मसीह को ग्रहण किया. एवरी डे शी वाज प्रेइंग फॉर हर हस्बैंड और उस पति के लिए प्रार्थना करती थी. वन डे हर हस्बैंड वाज सिक. उसका पति बीमार था. ही वाज सिक देन अर्लियर मंथ्स गॉन और वो बीमार था और महीने बीत गए. ही वाज नॉट हील वो चंगा नहीं हुआ. प्रॉब्लम वाज इंक्रीज समस्या बढ़ा. ओ दिस वुमन वाज प्रेइंग फॉर हर हस्बैंड. ये स्त्री अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी. हालेलुया हालेलुया. इवन द बिलीवर्स प्रे फॉर दैट पर्सन और विश्वासी से मैं उसके लिए प्रार्थना की. लॉस द लॉर्ड टच एंड द लॉर्ड हील दैट मैन और अंत में प्रभु ने छुआ और उस व्यक्ति को चंगाई दी. हालेलुया द ड्रंकर्ड मैन वो पियकड़ व्यक्ति एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट से यीशु को स्वीकारा. ही टुक बैप्टिस्म बपतिस्मा लिया. ही एंड हिज वाइफ टुक बैप्टिस्म और उसके पति ने बपतिस्मा कर लिया. नाउ आई मीन दे डेडिकेटेड देयर सन माधवन टू स्टैंड फॉर द लॉर्ड एज एन एवेंजेलिस्ट. अब उन्होंने माधवन को एक सुसमाचार के तौर से समर्पण किया. टुडे देयर सन इज सर्विंग द लॉर्ड. आज उनका लड़का परमेश्वर की सेवा कर रहा है. डियर गॉड चिल्ड्रन प्रिय परमेश्वर के बच्चे वेयरएवर व्हाटएवर यू आर लिविंग जो भी आप जी रहे हो. क्राइस्ट इज कमिंग एंड टचिंग योर लाइफ जब प्रभु आकर आपके जीवन को छूता है. देयर विल बी चेंजेस जीवन में बदलाव होंगे. यू विल डेडिकेट मोर फॉर द लॉर्ड और आप प्रभु के लिए और समर्पण करोगे. लॉर्ड इज गोइंग टू बी ग्लोरीफाइड थ्रू यू. आपकी तरफ प्रभु का महिमा होगा. हालेलुया हालेलुया. आई मीन व्हेन जीसस सॉ देयर वाज ओनली फ्रूट और जब यीशु ने देखा सिर्फ पत्ते ही है. यू नो व्हाट जीसस स्पोक तो यीशु ने क्या कहा. इन मार्क चैप्टर 11 वर्स 14 जीसस वाज स्पीकिंग टू दैट फिग ट्री. मार्कस 11 के 14 में प्रभु ने उस अंजीर पेड़ से कहा. जीसस सेड यीशु ने कहा नो मैन विल ईट फ्रूट ऑफ दी तेरे में से कोई फल नहीं खाएगा. नो मैन विल ईट फ्रूट फ्रॉम दी फॉरएवर कोई मनुष्य तुझसे कोई फल नहीं खाएगा कभी भी. एग्जैक्टली इट हैपेंड और वैसा ही हुआ. व्हाटएवर द लॉर्ड इज स्पीकिंग जो भी प्रभु कहते हैं इट विल हैपन वैसा ही होगा. यू नो इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल अब जानते हैं अगर आप फलवंत नहीं होते. यू आर नॉट सेव्ड अगर आप उद्धार नहीं पाते. यू आर नॉट बैप्टाइज्ड अगर बपतिस्मा नहीं लेते हैं. देयर विल बी ओनली पनिशमेंट तो सिर्फ दंड ही होगा. ओनली पनिशमेंट यू विल फेस सिर्फ दंड का आप सामना करोगे. हालेलुया हालेलुया. इन लूक चैप्टर 13 वी रीड लूका 11 अध्याय में हमें 13 वर्ड 6 टू 8 इफ यू रीड 11 अध्याय 6 अध्याय से 13 वचन. देयर वाज ए फिग ट्री एक अंजीर पेड़ वहां था. देयर वाज नो फ्रूट इन दैट फिग ट्री उसमें कोई फल नहीं था. व्हाट दैट अर्लियर ओनर केम तो मालिक ने क्या किया. ही टोल्ड द सर्वेंट और दासों से उसने कहा आई एम सीइंग 3 इयर्स मैं 3 वर्ष से देख रहा हूं. 3 इयर्स आई एम सीइंग दिस ट्री 3 वर्ष से इस पेड़ को देख रहा हूं. आई नेवर सी एनी फ्रूट इसमें कभी फल नहीं देखा. व्हाई शुड वी कीप दिस ट्री तो हम इस पेड़ को क्यों रखे. ही टोल्ड द सर्वेंट वी विल कट अप दिस ट्री उसने दास से कहा कि हम इस पेड़ को गिरा देते. बट द सर्वेंट वाज हालेलुया प्रेइंग टू दैट द ओनर लेकिन दास ने स्वामी से प्रार्थना की. ही टोल्ड मास्टर कहा स्वामी आई मीन गिव वन मोर ईयर और एक वर्ष दे. व्हाटएवर आई डू जो कुछ मैं करूं व्हाटएवर आई एम एबल टू डू जो कुछ मुझसे हो सकता आई विल डू इट फॉर दिस ट्री
इस पेड़ के लिए मैं करूंगा. इफ दैट ट्री इज नॉट फ्रूटफुल, अगर वो पेड़ फिर भी फलवंत नहीं होता, देन ऑलवी वी विल कट इट, तो हम काट देंगे. ही रिक्वेस्टेड वन मोर ईयर, उसने विनती की कि और एक वर्ष. हालेलुया, यू आर लिविंग लाइक दैट, आप वैसे ही जी रहे हो. टुडे यू आर लिविंग विद ग्रेस स्पिरिट, आज उस अनुग्रह भरा समय में आप जी रहे हो. गिवन वन मोर ईयर फॉर यू, प्रभु ने आपके लिए और एक वर्ष को दिया. लॉर्ड हैज गिवन वन मोर ईयर टू लिव, एक और वर्ष जीने के लिए प्रभु ने दिया. डू नॉट वेस्ट इट नाउ, उसे आप गवाना नहीं. हालेलुया, आई मीन यू सरेंडर, यू जस्ट प्रे टू द लॉर्ड, समर्पण करते हो प्रभु से, प्रार्थना करो. लॉर्ड आई डोंट वांट टू लिव ओनली विद लीव्स, प्रभु मैं सिर्फ पत्तों के साथ नहीं जीना चाहता. यू मेक मी फ्रूटफुल लॉर्ड, तू मुझे फलवंत बना. यू मेक मी फ्रूटफुल, हालेलुया, मुझे फलवंत बना. इन यशायाह चैप्टर 5 वर्स 4 द लॉर्ड टोल्ड, यशायाह 5 के 4 में. हालेलुया, आई एम व्हाट आई हैव नॉट डन फॉर माय विनयर्ड, मैंने मेरे दाख लता के लिए क्या नहीं किया. आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माय विनयर्ड, मेरे दाख लता के लिए सब मैंने किया. हालेलुया, आई हैव डन एवरीथिंग, सब कुछ किया. बट व्हेन आई लुक द फ्रूट, लेकिन जब मैं फलों को देखता, आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी गुड फ्रूट, कोई अच्छा फल नहीं मिलता. हालेलुया, हालेलुया, गॉड हैज डन एवरीथिंग इन योर लाइफ, प्रभु ने आपके जीवन में सब कुछ किया. ही हैज गिवन यू वर्ड, एक वचन को दिया. ही हैज गिवन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा दिया. ही हैज गिवन यू साल्वेशन, आपको उद्धार दिया. ओ यू रिसीव एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, सारा आत्मिक आशीषों को. यू हैव रिसीव एवरी, हालेलुया, आई मीन द मटेरियल ब्लेसिंग, सारे वस्तु आशीष को आपने पाया. यू रिसीव इवन फर्स्ट फिजिकल ब्लेसिंग, शारीरिक आशीषों को भी पाया. आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस ब्लेसिंग, इन आशीषों को पाने के बाद, इफ यू लिव विदाउट फ्रूट, अगर आप फल के बिना जीते हो, देन हालेलुया द लॉर्ड विल जस्ट थ्रो यू आउट, तो प्रभु आपको बाहर फेंक देंगे. हालेलुया द लॉर्ड विल हेट यू, रबस, प्रभु आपसे नफरत करेंगे. इन मलाकी चैप्टर 1 वर्स 3 वी रीड, मलाकी पहला अध्याय 3 वचन. इफ यू रीड मलाकी चैप्टर 1 वर्स 2 एंड 3, अगर मलाकी पहला अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे. इन वर्स 2 द लॉर्ड टोल्ड आई लव अमेन जैकब, दूसरे वचन में याकूब से प्रेम करता हूं. इन वर्स 3 ही सेज आई हेट एसा, लेकिन तीसरे वचन में मैं एसा से नफरत. अमेन, हालेलुया, बोथ आर अमेन इक्वल, दोनों भी एक ही थे. देयर इज नो डिफरेंट, उनमें कोई अंतर नहीं. जैकब आल्सो हालेलुया लाइक अमेन से डिसीवर, याकूब भी धोखा देने वाला, बट ही रिपेंटेड, लेकिन उसने मन फिराया. ही सरेंडर हिज लाइफ टू गॉड, उसने परमेश्वर को जीवन समर्पण किया. गॉड सॉ हिज इनर हार्ट, प्रभु ने उसके भीतर जीवन को देखा. ही सॉ द सिंसियर हार्ट, देखा उसके जीवन को. हार्ट ऑफ रिपेंटेंस, एक मन फिराने वाला जीवन. हार्ट ऑफ डेडिकेशन, एक समर्पण करने वाला मन. गॉड सॉ हिज हार्ट एंड ही ब्लेस हिम, प्रभु ने उसके दिल को देखा और उसे आशीष दिया. एंड ही लव दैट जैकब, और उस याकूब से उसने प्रेम किया. लेकिन ये एसाव, देयर वाज नो रिपेंटेंस, उसमें कोई मन फिराव नहीं था. ही वाज हार्डनिंग हिज हार्ट मोर, अपने दिल को और कठोर किया. ही वाज गोइंग अवे एंड अवे फ्रॉम द लॉर्ड मोर, प्रभु से और दूर अलग जा रहा था. बिकॉज़ ऑफ दैट, इस कारण से लॉर्ड टोल्ड, प्रभु ने कहा, आई हेट दैट एसा, मैं उसे ऐसा से नफरत करता हूं. बिकॉज़ लॉर्ड हेटेड हिम, क्योंकि प्रभु ने उसे नफरत किया. हिज जनरेशन वाज गॉन, उसका पीढ़ी नाश हुआ. हिज जनरेशन एदोम वाज फिनिश्ड, उसका पीढ़ी एदोम नाश हुआ. टुडे देयर इज नो एदोम, आज एदोम है ही नहीं. टोटली वाइप अवे, पूरे तरीके से मिट गया. हालेलुया, हालेलुया. इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल, अगर आप फलवंत नहीं है, देन यू विल बी लाइक एदोम, आई मीन टोटली वाइप अवे, तो आप एदोम की तरह पूरे तरीके से मिट जाओगे. हालेलुया, हालेलुया. आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. ओ हालेलुया, आई मीन दे वर, आई मीन पीपल वर नॉट प्लीज्ड विद देम, और प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं हुए. पीपल हेटेड देम, लोग उनसे नफरत किए. आई मीन अल माइकल जैक्सन वाज टेलिंग वंस, एक बार माइकल जैक्सन ने कहा, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, अपने मित्र से कहा, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू व्हेन ही वाज ग्रोइंग, बचपन से जब वो बढ़ रहा था, ही सेड टू द पीपल वर हेटिंग हिम, कहा कि लोगों ने उसे नफरत किया. ही डिड नॉट रिसीव एनी लव फ्रॉम एनी मैन, उसने कोई मनुष्य से कोई प्रेम नहीं पाया. सो व्हेन ही वाज ग्रोन अप, तो जब वो बढ़ गया, ही लर्न, उसने सीखा हाउ टू प्ले म्यूजिक, कैसे म्यूजिक बजाना है. ही लर्न हाउ टू सिंग, कैसे गाना है. ही लर्न हाउ टू डांस, कैसे नाचना है उसने सीखा. ही लर्न एवरीथिंग, उसे सब कुछ सीखा. हालेलुया रब, हालेलुया. एंड ही हालेलुया आई मीन मेड प्लास्टिक सर्जरी, और प्लास्टिक सर्जरी उसने लगाया. एनी सर्जरी, हालेलुया, आई मीन ही डन, और बहुत सी सर्जरीज को उसने किया. टू मेक हिम ब्यूटीफुल, अपने आप को खूबसूरत बनाने, पीपल विल लव हिम, ताकि लोग उसे प्रेम करें. ही वांटेड टू रिसीव द मैनस लव, वो मनुष्य के प्यार को चाहता था. व्हाटएवर ही एक्सपेक्टेड, आई मीन इट हैपन, जो उसे चाहा वैसा ही हो गया. ओ लैक्स ऑफ पीपल, हालेलुया, दे लव हिम, लाखों लोगों ने उसे प्रेम किया. हालेलुया, बट ओनली द पीपल लव हिम, लेकिन लोगों ने पसंद किया. वेदर गॉड लव हिम और नॉट, क्या प्रभु ने उसे प्रेम किया या नहीं. आई मीन हालेलुया, इट्स नॉट द पीपल लव यू, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग आपसे प्यार कर रहे हैं. मोर देन द पीपल लव यू, गॉड मस्ट लव यू, लोग आपसे प्रेम करने से बढ़कर प्रभु को आपको प्रेम करना. हालेलुया, हालेलुया. इफ योर लाइफ इज नॉट वर्थी, अगर आपका जीवन योग्य नहीं है. इफ योर लाइफ इनसाइड
only sinful. अगर भीतर से पाप ही है, inside there is no repentance. अगर अंदर मन फिराव नहीं है, inside there is no holiness. अगर अंदर पवित्रता नहीं है, you are living all wretched life inside. अंदर से खराब जीवन जीते हैं, outside you are praising. और बाहर से स्तुति करते हो, outside you are glorifying. बाहर से प्रभु को महिमा देते हो, only you are mouth service. सिर्फ मुंह से आप कहते हैं, only lip service you are doing for the Lord. सिर्फ होठों से परमेश्वर की सेवा का है. God said you cannot receive any blessing because of this. परमेश्वर ने इस कारण से आप कोई आशीषों को पा नहीं सकते. हालेलुया. In that verse 20 we read. उस 20वें वचन में हम पढ़ते हैं. In verse 20 the next day Jesus and the disciples came through that way. 20वें वचन में अगले दिन यीशु और शिष्य उस जगह से आए. You know what hallelujah we read in that verse. जानते उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Peter hallelujah saw this same tree. पतरस ने उसी पेड़ को देखा. Peter saw that fig tree was totally withered. पतरस ने देखा कि वो पेड़ पूरा नाश हो गया था. Top to bottom even the root was withered. ऊपर से नीचे वो पूरा नाश हो गया था. हालेलुया. So immediately Peter talked to Jesus Christ. तुरंत पतरस ने यीशु मसीह से कहा. Jesus. यीशु. Yesterday you cursed this fig tree. कल तूने इस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया. I mean in verse 21 Peter was telling. 21 वचन में पतरस ने कहा. Yesterday you cursed that fig tree. कल तूने उस पेड़ को श्राप दिया. But today the fig tree is totally withered. और आज ये पूरा सूख गया. How it is? ये कैसा हुआ? You spoke only one word. तूने तो एक ही वचन को कहा था. From the root to top it is withered. और जड़ से ऊपर तक वो खराब हो गया. हालेलुया. हालेलुया. He was asking the Lord why. वो प्रभु से पूछ रहा था क्यों. हालेलुया. हालेलुया. Because there was no fruit. क्योंकि उसमें फल नहीं था. Oh, he said to yesterday you cursed that tree. जब कल आपने उस पेड़ को श्राप दिया. The fig tree received the curse from the Lord. उस अंजीर के पेड़ को प्रभु की द्वारा श्राप मिला. There are so many people. ऐसे बहुत से लोग हैं. There are so many hallelujah houses. ऐसे बहुत से घर हैं. They are filled with curses. वो श्रापों से भरे हैं. Filled with curses. वो श्रापों से भरे हैं. God can remove that curse. वो श्रापों को सिर्फ परमेश्वर निकाल सकते हैं. In Malachi chapter 2 verse 2 we read. मलाकी दूसरे अध्याय दूसरा वचन. Man God said to the people. प्रभु ने लोगों से कहा. I will curse your blessing. मैं तुम्हारे आशीषों को श्राप दूंगा. The Lord can change your blessing into curse also. और आपके आशीष को भी श्राप में. Hallelujah. Hallelujah. Because these people. क्योंकि ये लोग. Hallelujah. In Malachi they were offering the blind animal. ये मलाकी में जो लोग थे वो अंधे जानवर को देते या लंगड़े जानवर को बलि चढ़ाते. उन्हें प्रभु का आदर नहीं किया और प्रभु की उपस्थिति को उन्हें व्यर्थ किया. प्रभु ने कहा कि श्राप आपके ऊपर आएगा. मलाकी तीसरे के 7-8-9 वचन में परमेश्वर ने कहा कि तुम पर श्राप है in your offering and also tithe. क्योंकि आपके दशमांश में और देने में आप परमेश्वर को दोष देते हैं. Curse is upon you, the Lord said. प्रभु ने कहा कि आपके ऊपर एक श्राप है. The fig tree. अंजीर पेड़. Inside nothing was there. अंदर से कुछ नहीं था. Outside showing very beautiful. बाहर से दिखा था कि अच्छा है. Outside showing very green. बाहर से हरी हरी भरी. अरे outside showing very nice. बाहर से बहुत खूबसूरत बना था. God is not only seeing outside. लेकिन परमेश्वर सिर्फ बाहर ही नहीं देखते. God is seeing your inner life. प्रभु आपके भीतर के जीवन को देखते हैं. How you are living. कैसे आप जीते हो. Hallelujah. Hallelujah. There was a Sodom, the city Sodom. वो शहर सोदोम था. That city was very near to the sea. वो सोदोम नदी के किनारे था. Very beautiful city. बहुत अच्छा शहर. But in the book of Genesis we read. लेकिन उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं. That city was full with all evil and the wickedness. वो नगर पाप और दुष्टता से भरा था. Because of that. उस कारण से. The fire came from heaven. स्वर्ग से आग उतरा. God destroy that Sodom. प्रभु ने सोदम को नाश किया. Sodom because of that fire it became hallelujah like a valley hallelujah gone it joined with the sea. और वो सोदम आग के कारण नाश हुआ. एक तराई जैसे समुद्र से जुड़ गया. Where there was Sodom. सोदम जहां पर था. The same place exactly the same place today it became dead sea. और वो एक डेड सी बन गया. Hallelujah dead sea no creature can live. और उस समुद्र में कोई जानवर जी नहीं सकता. Hallelujah.
हालेलुया ओ द सोदम ब्यूटीफुल प्लेस बिकेम डेड सी टुडे और वो जो सोदम इतना अच्छा जगह एक डेड सी बन गया योर लाइफ आपका जीवन हालेलुया इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल फॉर द लॉर्ड अगर आप प्रभु के लिए फलवंत नहीं है हालेलुया डियर गॉड चिल्ड्रन प्रिय परमेश्वर के बच्चे सरेंडर आपके जीवन को समर्पण वी हैव द सॉल्वेशन क्या आपके पास उद्धार है वी हैव यू टेकन अ बैप्टिज्म क्या आपने बपतिस्मा को लिया बैप्टिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पिरिचुअल लाइफ आत्मिक जीवन में बपतिस्मा बहुत जरूरी है इन मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15 16 वी रीड मत्ती 3 के 14 15 वचन में मैलिया आई बैप्टिज्म इज द राइटसनेस ऑफ गॉड बपतिस्मा परमेश्वर का धार्मिकता है इट्स नॉट द सेल्फ राइटसनेस वो खुद का कोई धार्मिकता नहीं इट्स राइटसनेस वो परमेश्वर का धार्मिकता है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 टू 20 वी रीड मत्ती 28 के 18 से 20 वचन हालेलुया आई मीन बैप्टिज्म इज द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड वो बपतिस्मा परमेश्वर का आज्ञा है इट्स नॉट द मैनस कमांडमेंट ओके मनुष्य की आज्ञा नहीं है एज इन द ओल्ड टेस्टामेंट 10 कमांडमेंट वी रीड जैसे पुराने नियम में 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट 1 कमांडमेंट गिवन दैट बपतिस्मा वैसे नए नियम में एक आज्ञा दिया गया कि बपतिस्मा लेना यू नीड टू ओबे आपको पालन करना है हालेलुया हालेलुया इन लूक चैप्टर 7 वर्स 30 वी रीड लूका 7 के 30 में बपतिस्मा इज द काउंसिल ऑफ गॉड बपतिस्मा परमेश्वर का सलाह है इफ यू ओबे द लॉर्ड ही विल ऑनर यू रबा अगर वो परमेश्वर को आप सुनते तो परमेश्वर आदर करेगा अदरवाइज यू कैनॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड नहीं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे इन मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 वी रीड अब जानते हैं मरकुस 11 की 23 में हालेलुया द लॉर्ड स्पोक टू दैट पीटर प्रभु ने पत्र से बात की यू नो व्हाट द लॉर्ड स्पीक टू पीटर पत्र से प्रभु ने क्या बात की पीटर आई स्पोक यस्टरडे टू दैट ट्री पत्रस में मैंने कल उस पेड़ से बात किया टुडे यू सी दैट ट्री विदर्ड और आज तो देखता है कि वो पेड़ सूख गया हालेलुया बट आई टेल यू लेकिन मैं तुझसे कहता इफ यू स्पीक टू दिस माउंटेन अगर तू इस पर्वत से बात करे आई मीन द लॉर्ड इज टेलिंग इन वर्स 23 प्रभु कहते हैं 23 वचन में इफ यू स्पीक टू दिस माउंटेन अगर तू इस पर्वत से बात करे एंड द माउंटेन will be removed and be cast into the sea to parvat hat kar samudra mein feka jayega how beautiful it is kitna khoobsurat baat how great it is kitna adbhut hai god is telling peter you speak to that mountain prabhu parvat se baat karne ko kehta this mountain is the problem ye parvat samasya hai hallelujah the problem is the mountain samasya hi wo parvat hai today what the lord is telling aaj prabhu kya kehte hain as I spoke to that tree rab jaise maine us ped se baat ki you speak whether small problem or big problem you speak chahe chhota samasya bada aap baat karo you command in the name of jesus yeshu ke naam se us par aagya do one day jesus was going through going through the boat ek din yeshu jahaz se safar kar rahe the going through the sea by the boat wo naav se samudra se yatra kar rahe the suddenly the storm was coming achanak tufaan aaya you know what jesus did jante yeshu ne kya kiya he spoke to that storm us tufaan se baat He said, "You be quiet." ताकि तू शांत हो. He spoke to that earlier storm directly. उस आंधी से उसने वैसा बात किया. That wind became quiet. वो हवा रुक गया. Earlier today, the Lord is telling you. आज प्रभु आपसे कह रहा है. You speak to your problem. तुम अपने समस्या से बात करो. You don't speak about the problem to others. समस्या के बारे में दूसरों से न कहना. You need not to speak about your problem. आपके समस्या के बारे में नहीं बात करना. You need to speak directly to that problem. आपको उस समस्या से सामने बात करना. You say in Jesus' name. कहो कि यीशु के नाम से. I command. मैं आज्ञा करता हूँ. This problem to be removed. ये समस्या निकल जाए. You will see it will be removed. और आप देखोगे कि वो हट जाएगा. Nothing will be permanent. Your problem is not permanent. आपका समस्या हमेशा वाला नहीं है. Hallelujah. As long as you speak. जब तक आप बात ना करो. Oh, nothing will happen. कुछ नहीं होगा. As long as you open your mouth and speak and command. जब तक आप मुंह खोलकर आज्ञा ना देते हैं. No miracle you can see. कोई चमत्कार को देख नहीं सकते. No deliverance you can see. कोई छुटकारा को नहीं देख सकते हालेलुया नो हीलिंग यू विल सी कोई चंगाई को नहीं देख पाओगे हालेलुया हालेलुया यू प्रे इन द यू जस्ट कमांड इन द नेम ऑफ जीसस अब यीशु के नाम से आज्ञा करो आर यू रेडी टू स्पीक टू योर प्रॉब्लम्स क्या आप अपने समस्या से बात करने को तैयार हैं विद फेथ यू कमांड विश्वास से आज्ञा दो विद फेथ यू स्पीक विश्वास से बात करो देन यू विल सी द मिरेकल रब फिर चमत्कार को देखोगे ग्रेटर इज ही हमें हुई सीन यू रब और महान वो जो आपके अंदर है द सेम लॉर्ड हु स्पोक टू दैट विंड वही परमेश्वर जिसने हवा से बात की Remember
remember he is in you. याद करो वो आपके भीतर है. He is honoring. I mean when you speak. जब आप बात करते हैं वो आदर करता है. Hallelujah. Hallelujah. हमें say receive the deliverance. कहो कि छुटकारे को पाओ. Open your mouth. मुंह खोलकर कहो. I say this problem to be removed. मैं कहता हूँ ये समस्या निकल. Maybe a very big loan problem. शायद वो बड़ा खर्च का समस्या. You took only 10,000 loan. शायद 10,000 का खर्च आपने लिया. It was increase and increase. वो बढ़ता गया. Became now more than 20 lakhs. अब 20 लाख से अधिक का हो गया. You are so much broken. ज्यादा टूट जाते हो. You are thinking about your future. भविष्य को लेकर सोचते हैं. Right now. इसी समय. Lord is telling you brother. भाई प्रभु कहते हैं. Lord is telling you sister. बहन प्रभु कहते हैं. Your problem is not permanent. आपका समस्या हमेशा का नहीं. It can be removed. वो निकल सकता. It can be removed. वो निकल सकता. Any problem. कोई भी समस्या. It can be removed. You believe. विश्वास करो वो निकल सकता. Hallelujah. It will be thrown away. वो फेंक दिया जाएगा. It will be disappear. वो नाश हो जाएगा. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I mean that words we read. उस वचन में हम पढ़ते हैं. Lord said, "You speak to that mountain." प्रभु ने कहा कि तुम उस पर्वत से बात करो. Are you ready to speak? क्या आप तैयार हैं बात करने? Are you ready to speak to your problem? क्या आप अपनी समस्या से बात करने तैयार हैं? Are you ready to speak with faith? क्या विश्वास से बात करने को तैयार है? There was a woman. एक स्त्री थी. Hallelujah. I mean in USA. USA में थी. I mean she doctors found she was having cancer sickness. डॉक्टर ने पाया कि उसको कैंसर की बीमारी है. Hallelujah. She was taking, I mean, many days the treatment. बहुत दिनों से ट्रीटमेंट ले रही थी. One day the doctor told her. एक दिन डॉक्टर ने उससे कहा. How much we could do? जितना हमसे हो सका. We did earlier for you. हमने तुम्हारे लिए किया. But hereafter. लेकिन आगे से. I mean, no more we can do, Rabba. कुछ कर नहीं सकते. Because earlier the medicines, I mean, cannot help you now. क्योंकि दवा अब तुम्हें बचा नहीं सकती. Hallelujah. Come to such a stage. अब ऐसे स्टेज पर आप पहुंच चुके. We cannot do anything for you, Rabba. हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते. Oh, that woman with the broken heart. वो स्त्री टूटे मन से she came to her house, अपने घर आई. You know what she did? जानते उसने क्या किया? घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की. With tears, और अश्रु के साथ broken heart, टूटे मन से she prayed to the Lord, प्रभु से प्रार्थना की. Hallelujah. Hallelujah. And with the strength of God, और प्रभु के बल से with anointing of God, प्रभु के अभिषेक से she spoke to the problem, उसने समस्या से कहा. She could command, वो आज्ञा दे पाई. I mean, command that sickness, वो उस बीमारी को आज्ञा दे पाई. She told, be removed. कही कि तू निकल जा. Be removed. निकल जा. In Jesus name. यीशु के नाम से. Hallelujah. Jesus name. यीशु के नाम से. With full faith. पूरे विश्वास से. As Jesus told, I mean, Hallelujah. I mean, you speak to the mountain. जैसे यीशु ने पर्वत से बात करने को कहा. Every minute, every day, she was Hallelujah. I mean, so just to rebuke. She was rebuking. I mean, that problem. हर रोज, हर एक मिनट वो ताड़ना देती अपनी समस्या को. She was commanding to be removed. वो आज्ञा देती निकलने को. Hallelujah. Hallelujah. Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे. After that, उसके बाद. After that, doctors told we cannot help you. जब डॉक्टर ने कहा कि हम मदद नहीं कर सकते. She lived 40 years. वो 40 वर्ष जी. By God's grace, she lived 40 years. परमेश्वर के अनुग्रह से 40 और वर्ष जी. She win many souls. और ज्यादा आत्मा कमाई. She worshipped the Lord. प्रभु का आराधना की. Great joy, she served the Lord. बड़े आनंद से उसने प्रभु की सेवा की. Praise the Lord. Hallelujah. I mean, God is going to do great thing in your life. प्रभु आपके जीवन में महान काम करेंगे. Don't lose your heart. अपने मन न खोलो. You don't see the mountain. पर्वत को न देखना. You don't see your big problems. बड़े समस्या को मत देखो. You don't see the big big problems. बड़े बड़े समस्या को मत देखो. You take it easy. उसे साधारण समझो. If you believe you can take it easy. अगर विश्वास करेंगे तो साधारण समझ सकते. You will just command with faith. अब विश्वास से आज्ञा दोगे. You will just hallelujah speak with faith. विश्वास से बात करेंगे. And you will see it will be removed. और वो देखोगे निकल जाएगा. Brother and sister. प्रिय भाई बहन. God is removing your problems. प्रभु आपकी समस्या को निकल God is removing every situation. हर एक परिस्थिति को निकाल. Oh, your all difficult situation is not permanent. आपका कठिन परिस्थिति हमेशा का नहीं. Your sickness is not permanent. आपका बीमारी हमेशा का नहीं. Your problem is not permanent. आपका समस्या हमेशा का नहीं. It can be removed. वो निकल सकता. I mean, the time has come. समय आ चुका. It's going to be removed. वो निकलेगा. Believe right now. अभी विश्वास करो. Believe right now. अभी विश्वास करो. Believe in the name of Jesus. यीशु के नाम से विश्वास करो. Hallelujah. Hallelujah. I mean, in the scripture we read. वचन में हम पढ़ते हैं. If you read in the book of Joshua, अगर आप यहोशू में पढ़ेंगे, I mean Joshua chapter 18 verse 3 we read. यहोशू के 18वें अध्याय तीसरे वचन. I mean there were 7 tribes. सात गोत्र थे. They came to that Canaan. वो कनान में आए. Yet they were living without anything. फिर भी किसी चीज के बिना. They were living with empty hands. खाली हाथों के साथ. All other tribes they were having all the blessing and the land. बाकी गोत्र के पास आशीष और भूमि थे. But these tribes they did not have anything. लेकिन इन गोत्र के पास कोई आशीष नहीं. Hallelujah. I mean Joshua
told them, यहोशू ने उनसे कहा, How long you will be like this? कब तक तुम ऐसा रहोगे? You go and possess it. जाकर उसे कब्जा करो. Everything is yours, Rabbah. सब कुछ आपका ही है. First Corinthians chapter 3 verse 21 we read. पहले कुरिन्थियों 3 के 21 में. Paul told that church. पौलुस ने कलीसिया से कहा, Everything is yours, Rabbah. सब कुछ तुम्हारा है. In that words if you read. उस वचन में अगर आप पढ़ोगे. He said all things are yours. कहा कि सब कुछ तुम्हारा ही है. Claim this words. इस वचन को पाओ. First Corinthians chapter 3 verse 21 claim and claim this words. पहले कुरिन्थियों 3 के 21 को अपना लो. With faith you say. विश्वास से कहो. All things are mine. सब कुछ मेरा है. I mean he said all things are yours. कहा कि सब कुछ तुम्हारा है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति. The blessing is yours. आशीष तुम्हारा. Deliverance is yours. छुटकारा आपका. Healing is yours. चंगाई आपका. Glory, God's glory is yours. परमेश्वर का महिमा आपका. Hallelujah. Hallelujah. Everything is yours. सब कुछ आपका. Do you believe? क्या आप विश्वास करते हो? Hallelujah. Hallelujah. With faith. विश्वास से. Will you lift your hands? क्या हाथ उठाएंगे? Will you stand for the Lord? क्या प्रभु के लिए खड़े रहेंगे? God is going to bless you right now. प्रभु अभी आपको आशीष करेंगे. Shall we all stand and pray, Rabbah? हम सब खड़े होकर प्रार्थना करें. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Right now, Rabbah. First you pray to the Lord. पहले आप प्रभु से प्रार्थना करो. Lord, Hallelujah. प्रभु. Amen. As you saw that fig tree. ये तूने अंजीर के पेड़ को देखा. I believe you are seeing me. विश्वास करता तू हमें देखता. Oh, that fig tree, Rabbah. वो अंजीर का पेड़. Only the leaves were there. सिर्फ पत्ते थे. There was no fruit inside. अंदर कोई फल नहीं था. Only showing outside. सिर्फ बाहर से दिखावा. Lord, I don't want to be like that fig tree. प्रभु अंजीर के पेड़ तरह नहीं होना चाहता. Yes, Lord, I surrender, Rabbah. हाँ, मैं समर्पण करता. I submit my life for salvation. जीवन उद्धार के लिए समर्पण करता. I submit my life for the baptism. जीवन बपतिस्मा के लिए समर्पण करता. Right now I surrender, Lord. इसी समय समर्पण करता. I obey your word. तेरा वचन को मानता. I obey your word. तेरा वचन पालन करता. I worship you with heart. मन से आराधना करता. It is not just mouth service. सिर्फ मुंह से सेवा नहीं. It's not just lip service. सिर्फ होंठ से सेवा नहीं. Lord, I worship you with all my heart. प्रभु पूरे दिल से करूंगा. I mean with all my life. मेरे पूरे जीवन से सेवा करूंगा. I will live for you, Lord. तेरे लिए जूंगा. Hallelujah. 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 Lord's power is coming here. प्रभु का सामर्थ्य था. Right now. इसी समय. Oh, the Lord is knowing your problems. प्रभु आपके समस्या को जानते हैं. Lord is knowing your situation. परिस्थिति को जानते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम से. Receive the deliverance. छुटकारे को पाओ. In Jesus name. यीशु के नाम से. Right now. Hallelujah. इसी समय. Oh, Hallelujah, Rabbah. Oh, the power of God is touching प्रभु you. प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है. The power of God is healing you, Rabbah. प्रभु का सामर्थ्य चंगाई कर रहा है. Receive the healing. चंगाई को पाओ. Receive the deliverance. छुटकारे को पाओ. Receive the anointing. अभिषेक को पाओ. Receive the power. Hallelujah. सामर्थ्य को पाओ. Hallelujah. Hallelujah. I mean your situation is removed right आपका now. आपका परिस्थिति यहाँ पर निकल था. The worst situation is removed right now. वो खराब परिस्थिति अभी निकल था. God is touching you. Hallelujah. प्रभु छू रहा है. Give glory to the Lord. परमेश्वर को महिमा दो. The power of God is already upon you. प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर है. The Lord is upon you. All the promises of God, yours, Allah. सारा प्रतिज्ञा प्रभु का आपका है. Claim in the name of Jesus. यीशु के नाम से. Right now. इसी समय. Every promise. सारा प्रतिज्ञा. You claim, Hallelujah. उसे पकड़ लो. Say it is mine. कहो मेरा है. This promise is mine. प्रतिज्ञा मेरा है. Every promise is mine. सारा प्रतिज्ञा मेरा है. Hallelujah. Hallelujah. According to all the promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार. He is going to bless you. वो आपको आशीष करेगा. He is going to exalt you, Allah. आपको ऊंचा करेगा. Right now, Hallelujah. इसी समय. There are people, Hallelujah. लोग हैं. Oh, they are working against you, Allah. आपके विरोध काम करते हैं. There are people, Hallelujah. कुछ लोग. They wanted to do all evil against you, Allah. दुष्ट आपके विरोध करते हैं. Right now, Hallelujah. Oh, the power of God has come. प्रभु का सामर्थ्य. Receive the power, Allah. सामर्थ्य को. No weapon shall prosper against you. कोई हथियार विरोध सफल नहीं होगा. Hallelujah. Hallelujah. I mean, in the book of Exodus. निर्गमन में. 23:22, Allah. 23:22. I will be the enemy to your enemy. तेरे शत्रु का मैं शत्रु. Receive that promise. प्रतिज्ञा को पाओ. Jesus is touching you, Allah. यीशु छू रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you. Hallelujah. Say thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद. Lord is seeing your inner heart. प्रभु भीतर जीवन देखता. Right now. इसी समय. Yes, he's filling you, Rabbah. जैसे भरता. You are blessed, Rabbah. आप आशीषित है. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. Shall we all lift our hands? हम हाथ को उठाएंगे. And pray, Allah. और प्रार्थना करेंगे. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Mighty God. सर्वशक्तिमान. Thank you, Lord, for this day. धन्यवाद इस दिन. He has given us to come together. तूने हमें दिया एक साथ. Thank you, Lord, Allah. धन्यवाद प्रभु. As we have seen that fig tree, Allah. जितना अंजीर के पेड़ को देखा. Outside it was so good. बाहर से कितना अच्छा. The leaves were there. पत्ते थे. Oh, the people were seeing. It was so nice. लोग देख रहे थे खूबसूरत है. But when Jesus saw, Allah. जब यीशु ने देखा. Nothing was inside, Allah. अंदर कुछ नहीं था. I mean, Jesus is
is not seeing like others. यीशु बाकियों की तरह नहीं देखता. Yes, Lord, we know. Hallelujah. हम जानते हैं. Today we understand. हम समझते हैं. You are not seeing like others. हमारी तरह नहीं देखता. You are not just seeing outside. रब. सिर्फ बाहर ही नहीं देखता. You are seeing in our heart. भीतर जीवन देखता. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. I surrender my life in your hand. मैं जीवन को समर्पण करता तेरे हाथों में. You cleanse me, Lord. मुझे शुद्ध कर. You cleanse me, Lord. मुझे शुद्ध कर. Make me to stand for your glory. रब. तेरे महिमा के लिए मुझे खड़ा कर. Make me your testimony. Hallelujah. तेरे लिए गवाही बना. Hallelujah. Hallelujah. Right now. Hallelujah. इसी समय. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद. Thank you for renewing my life. धन्यवाद वापस बनाने. Thank you for cleansing my life. धन्यवाद जीवन शुद्ध करने. Hallelujah. Thank you, Lord, for making me fruitful. मुझे फलवंत बनाने. That you will be glorified. कि तेरे नाम की महिमा. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Bless everyone. सबको आशीष. Heal everyone. सबको चंगा. Strengthen everyone. सबको बल दे. Amen. Hallelujah. Wipe away every tear. हर एक अश्रु को पहुंच दे. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद. Thank you for your presence. धन्यवाद उपस्थिति. Let your name be glorified. तेरे नाम की महिमा हो. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Amen.